हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपये लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेट पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में।
साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के OTT रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रिमिक है। रेड का तेलुगु रिमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी, जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के OTT रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रिमिक है। रेड का तेलुगु रिमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी, जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से
मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम राम पुतने की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी, जिसमें संजय दत्त और राम पुतने थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतने की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी, जिसमें संजय दत्त और राम पुतने थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को
तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देखना चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देखना चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देखना चुके हो
तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरी शंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरी शंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरी शंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरी शंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरी शंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरी शंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरी शंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी
तेलुगु रीमेक है, रेड का तेलुगु रीमेक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह के इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी, जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमेक है, रेड का तेलुगु रीमेक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी, जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमेक है, रेड का तेलुगु रीमेक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है।
बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी, जिसे जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और उन और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे, ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमाघर में देखना चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी, जिसे जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे, ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमाघर में देखना चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी, जिसे जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो
पर 5 सितंबर से ही टीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमाघर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर टीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमाघर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर टीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को
पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में
रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी।
मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के OTT रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रिमिक है। रेड का तेलुगु रिमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के OTT रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रिमिक है। रेड का तेलुगु रिमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से
मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देख न चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन ओटीटी प्लेटफॉर्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को
तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देखना चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देखना चुके हो तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरिशंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है, आप कभी भी देख सकते हो। फिल्म मिस्टर बच्चन के फ्लॉप होने पर रवि तेजा और इनके निर्देशक हरिशंकर ने मूवी के निर्माता को पैसे लौटा दिए थे ताकि जो घाटा हुआ है उसे कवर किया जा सके। रवि तेजा ने 4 करोड़ और हरिशंकर ने 2 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन 15 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज हुई थी। मूवी में भाग्यश्री भोसले, शुभलेखा सुधाकर, जगतपति बाबू, सत्या, सचिन खेड़ेकर ने काम किया है। कुछ दिन से मूवी के ओटीटी रिलीज को लेकर कई खबरें आ रही थी। अब फाइनली मेकर्स ने रिवील कर दिया है कि मूवी किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। चलिए जानते हैं। मिस्टर बच्चन 12 सितंबर को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। मेकर्स ने इसकी जानकारी एक्स पर एक पोस्टर के जरिए दी है। अगर आप किसी वजह से मूवी सिनेमा घर में देखना चुके हो
तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। हरी शंकर द्वारा निर्देशित मिस्टर बच्चन का हिंदी वर्जन नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर नहीं होगा। अभी तक इसके हिंदी वर्जन का डिटेल शेयर नहीं किया गया है। मिस्टर बच्चन हिंदी फिल्म रेड का हिंदी तेलुगु रीमिक है। रेड का तेलुगु रीमिक है जिसमें अजय देवगन ने काम किया था। ये मूवी भारतीय उद्योगपति सरदार इंदर सिंह पर पड़ी रियल लाइफ इनकम टैक्स रेड पर बेस्ड है। बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर बच्चन के साथ साथ राम पुतनी की डबल आई स्मार्ट से भी टक्कर हुई थी जिसमें संजय दत्त और राम पुतनी थे। हालांकि ये मूवी भी बुरी तरह से पिट गई। ये मूवी प्राइम वीडियो पर 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। डबल आई स्मार्ट 5 सितंबर से ही स्ट्रीमिंग हो गई है। आप कभी भी देख सकते हो फिल्म।